आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो तो कभी आपको शब्द नहीं मिलते, तो कभी ये फ्लो नहीं करते, कभी स्पेलिंग गलत, तो कभी ग्रामर ऐसा वैसा। तो इमेजिन करो एक ऐसा टूल जो आपकी ग्रामर में आपकी हेल्प करेगा। मतलब आप लोग कुछ भी लिखो वो बता देगा कि कहाँ पे सही है और कहाँ पे गलत। तो अगर आप लोगों ने ग्रामरली के बारे में कभी नहीं सुना तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके आप लोग अपनी गलत इंग्लिश को सुधार सकते हो। आप लोग कुछ भी लिखोगे ये बता देगा कि कहाँ पे क्या सही है और क्या गलत है, ये उसे रेड मार्क कर देगा एंड आप लोग एक सिंगल क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हो, उसे ठीक कर सकते हो। इसे आप लोग अपने फोन में और अपने लैपटॉप में दोनों जगह इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसे कैसे यूज करना है एंड कैसे इसे इंस्टॉल करना है इस वीडियो में जानेंगे। तो ग्रामरली को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रामरली की वेबसाइट पे चले जाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग साइन अप सकते हो अगर आप लोग पहली बार ग्रामरली यूज कर रहे हो, और अगर आप लोगों के पास पहले से अकाउंट है तो आप लोग यहां से लॉगिन भी कर सकते हो। तो मैं यहां से साइन अप पे क्लिक करता हूं एंड यहां से मैं साइन अप विद गूगल करता हूं एंड मैं यहां से अपना ईमेल सेलेक्ट कर लेता हूं। तो मैंने यहां से साइन अप कर लिया और फिर आप लोग देख दो पर्सनलाइज योर एक्सपीरियंस, और फिर यहां पे आपसे जो भी नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोग नॉर्मली उसे रिप्लाई कर सकते हो कुछ भी। और फिर यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, यहां पे आप लोग स्किप पर्सनलाइजेशन भी कर सकते हो ऐसे, और फिर आप लोग देख सकते हो ये फ्री है बिल्कुल कंटिन्यू टू ग्रामरली। लेकिन अगर आप लोग बिजनेस प्लान लेना चाहते हो तो आप लोग बिजनेस प्लान ले सकते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री है ये। तो आप लोग देख सकते हो ग्रामरली फॉर मैक प्लस क्रोम, तो गेट ग्रामरली फॉर मैक प्लस क्रोम पे आपको क्लिक करना है एंड आप लोग देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे ये इसका ऐप डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ से ये ऐप डाउनलोड हो चुका है और इसका एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, या आप लोग यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर में जाके भी ग्रामरली सर्च कर सकते हो तो आपके सामने ये एक्सटेंशन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है, तो मुझे अब इस ऐप को इंस्टॉल करना है। तो मुझे बस सिंपली इस ऐप को डबल क्लिक करना है एंड ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ में जैसे भी ऐप इंस्टॉल होता है आप लोग वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैक में ये इंस्टॉल हो चुका है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आ भी चुका है। तो ये अब ऐप ओपन हो रहा है एंड ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, आप लोग यहाँ पे स्किप कर दो इसे एंड ये फ्री वर्जन है। ओके, ट्राई इन जीमेल एप्पल नोट, ट्राई इन एप्पल नोट करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने एप्पल नोट ओपन किया और यहाँ पे ये ग्रामरली का आइकन आपको दिख रहा होगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है और अगर मुझे इसे चेक करना है कि मैंने सही लिखा या नहीं तो मुझे इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपके सामने दो आइकन्स आ रहे हैं, एक है ओपन असिस्टेंट और दूसरा है इम्प्रूव माई राइटिंग। तो मैं यहाँ से इम्प्रूव माई राइटिंग पे क्लिक करता हूँ एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक पेज खुल चुका है एंड यहाँ पे ये इम्प्रूवमेंट बता रहा है कि मैं इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे इसके जगह मैं लिख सकता हूँ आई एम करेंटली रिकॉर्डिंग ए यूट्यूब वीडियो अबाउट ग्रामरली। तो आप लोग देख सकते हो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका हो गया बोलने का, और ये ऑफ के जगह अबाउट होगा, ये मुझे ग्रामरली ने बता दिया। अगर मैं यहाँ से रिट्राई करता हूँ तो कोई और रिस्पॉन्स आएगा कि हाँ मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ और भी ऑप्शन है जिसका यूज करके मैं इस सेंटेंस को रिफ्रेम कर सकता हूँ या रिफ्रेज कर सकता हूँ, और ये कुछ अलग मेरे को सेंटेंस देगा। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ मेक इट इंस्पायरेशनल, तो यहाँ पे ये आ चुका है आई एम करेंटली इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंस्पायरिंग यूट्यूब वीडियो अबाउट ग्रामरली। तो ये नया फ्रेज है। अगर मैं इसे और भी कोई दूसरे तरीके से लिखवाना चाहता हूँ तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं इस पर मेक इट मोर डिटेल्ड एंड देखता हूँ कितना डिटेल में देता है। तो आप लोग देख सकते हो ये लंबा सा इस पर डिटेल में आया है कि हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड इस वीडियो में मैं अपने फीचर्स बेनिफिट्स इस सब का बात करूँगा। तो मैं बस इंसर्ट पे क्लिक कर सकता हूँ अगर मुझे सही लग रहा है तो आप लोग देख सकते हो मैंने जो सेंटेंस लिखा था वो हट चुका है एंड ये ग्रामरली अपने सेंटेंस से इसे रिप्लेस कर दिया। और अगर मैं यहाँ से फिर से इसे सेलेक्ट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कुछ और भी आइडियाज आते हैं, इम्प्रूव इट, शॉर्ट एंड इट। तो मैं यहाँ से शॉर्ट अगर करना चाहता हूँ अभी से तो मैं यहाँ से शॉर्ट भी कर सकता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये शॉर्ट हो जाएगा एंड इसे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, यानी आप लोग देख सकते हो ये शॉर्ट हो गया। तो ऐसे करके अगर आप लोग अब कुछ भी लिखते हो, चाहे किसी को लेटर लिख रहे हो, मैसेज लिख रहे हो, कुछ भी अगर आप लोग इंग्लिश में लिख रहे हो आपको बस उस सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेना है एंड रिफ्रेश पे क्लिक करना है एंड ग्रामरली आपको बता देगा कि वो कहाँ पे गलत है एंड कहाँ पे आप उसे सही कर सकते हो, या आपको वो पूरा का पूरा नया सेंटेंस ही दे देगा जिसे आप लोग आसानी से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली किसी को भी सेंड कर सकते हो कि हाँ ये बिल्कुल मिस्टेक एंड एरर फ्री है। तो यहाँ पे मैंने एक और सेंटेंस लिख दिया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फोर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि इसमें पूरे चार मिस्टेक्स है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो ये बता रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या मिस्टेक है। लेकिन आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेना है एंड आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा इम्प्रूव माई राइटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये आपको बता देगा यहाँ आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हो, ये इम्प्रूव करके दे चुका है एंड ये बिल्कुल एरर फ्री है। एंड इसे अगर आप लोग रिफ्रेश कराना चाहते हो तो आप लोग मोर आइडियाज में जाके किसी पे भी क्लिक कर सकते हो, या आपको जैसा चाहिए वो उसे ऐसा बना सकते हो। तो आप लोग देखते हो मैं यहाँ से अब कोई भी ऐसे लिख दूँ, कोई गलत सा ऐसे लिख दूँ, हाँ उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स है, मैं ग्रामरली का यूज़ करके उसे एक सिंगल क्लिक में सही कर सकता हूँ। सो ग्रामरली बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टूल है जिसे आप लोग डेली राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। तो जाके इसे इंस्टॉल कर लो, ये बिल्कुल फ्री है एंड आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे और भी कमाल के ट्रिक्स जानने के लिए।